फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन का काफ चैंपियंस लीग के मैच के बारे में जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से सीटल साउंडर्स और न्यूयॉर्क सिटी एफसी के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और ध्यान से भी देखना, ओके। तो अब हम नजर डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। और हाँ दोस्त, इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कॉमेंट में और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ओके। तो अब हम नजर डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। तो गाइस सीटल साउंडर्स पॉइंट्स टेबल में फिलहाल के टाइम पर 9th पोजीशन पर है, वहीं पर बात करें न्यूयॉर्क सिटी फिलहाल के टाइम पर 11th पोजीशन पर है। तो गाइस दोनों टीमों की जो पोजीशन है ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलती है। तो गाइस अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए फेवरेट टीम मान चले। तो गाइस मैं फिलहाल के लिए सीटल साउंडर्स को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपना होम ग्राउंड मैच खेलती है या तो मैच को विन करती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन जल्दी से मैच को लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं सीटल साउंडर्स को फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गाइस हम बात करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैच खेलते हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से। तो गाइस इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 5 हेड टू हेड मैच खेले गए हैं, जिनमें से सीटल साउंडर्स ने इस टीम के सामने 2 मैच विन किए हैं और 3 मैच लॉस भी किए हैं। अटैकिंग वाइज 1.4 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब जब भी सीटल साउंडर्स इस टीम के सामने खेलती है तो प्रत्येक मैच में कम से कम तो एक, और कभी कभी तो इस टीम के सामने पर मैच में 2 या 3 गोल भी स्कोर कर देती है। लेकिन डिफेंस वाइज भी कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में एक, और कभी कभी 2 या 3 गोल तक कंसीड भी कर देती है। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए दोनों टीमों की तरफ से इक्वली देखने को मिलता है अटैक से लेकर डिफेंस तक। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ, उस मैच को न्यूयॉर्क सिटी अपने होम ग्राउंड में इस टीम के सामने 3-0 से मैच को विन कर गई। अटैकिंग वाइज उस मैच में 3 गोल किए, लेकिन डिफेंस गोल तक कंसीड नहीं किया। लेकिन उससे पहले फिर इन दोनों टीमों के बीच मैच खेला गया और उस मैच को सीटल साउंडर्स ने अपने होम में खेला और 3-1 से उस मैच को सीटल साउंडर्स विन कर गई। अटैकिंग वाइज उस मैच में 3 गोल किए, लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड किया। लेकिन उससे पिछले 2 मैच इन दोनों टीमों के बीच में और हुए और दोनों मैच को न्यूयॉर्क सिटी ने विन किया, 2-1 से विन किया, 2-0 से विन किया। और एक मैच इस टीम के सामने फिर से मैच खेला गया और सीटल साउंडर्स उस मैच को भी 3-1 से विन किए। अटैकिंग वाइज उस मैच में सीटल ने 3 गोल किए, लेकिन डिफेंस से फिर से 1 गोल कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो न्यूयॉर्क सिटी जब भी इस टीम के सामने खेलती है तो एक चीज तो कंफर्म की इस टीम के सामने गोल तो करती ही है, लेकिन डिफेंस वाइज भी कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देती है। अब गाइस बात आती है इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस सीटल साउंडर्स ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से 3 मैच विन करे हैं, 2 मैच ड्रॉ खेले, सिर्फ एक ही मैच लॉस किया। अटैकिंग वाइज 1.7 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम तो एक, और कभी कभी ये टीम पर मैच में 2 या 3 गोल भी स्कोर कर देती है। लेकिन डिफेंस वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने गोल कंसीड करती है, वरना हल्की टीम के सामने ये टीम गोल तक कंसीड नहीं करती। तो परफॉर्मेंस देखा जाए तो इस टीम का रिसेंटली काफी शानदार है, अटैक से लेकर डिफेंस तक मैच को विन और ड्रॉ खेलने तक भी काफी शानदार है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच सीटल साउंडर्स मिनेसोटा यूनाइटेड के सामने 2-1 से मैच को विन करके आ रही है। अटैकिंग वाइज इस टीम ने 2 गोल किए, लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड किया। और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने ड्रॉ खेले, दोनों मैच में इस टीम ने अटैकिंग वाइज गोल किया, लेकिन डिफेंस से भी 1 गोल कंसीड किया। और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने विन किए, और दोनों मैच में इस टीम ने 3-3 गोल स्कोर किया, लेकिन डिफेंस सिर्फ 2 ही गोल कंसीड किए। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो इस टीम का अटैकिंग वाइज रिसेंटली काफी शानदार, और डिफेंस वाइज भी कहीं ना कहीं ये टीम 1 गोल कंसीड कर ही देती है। अब गाइस बात आती है न्यूयॉर्क सिटी का जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस न्यूयॉर्क सिटी ने करंटली खेले 6 मैच, जिनमें से सिर्फ 2 ही मैच इस टीम ने विन किए, 1 मैच ड्रॉ खेला और 3 मैच लॉस किए। अटैकिंग वाइज 1.7 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1.7 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। मतलब इस टीम जो परफॉर्मेंस है फिलहाल के टाइम पर 50-50 देखने को मिल रहा है, अटैक से लेकर डिफेंस तक मैच को विन और ड्रॉ खेलने तक भी। अब गाइस बात करें जो पिछले 3 मैच ये टीम लॉस करके आ रही है, अब आप अंदाजा लगा सकते हो इस टीम का जो रिसेंट फॉर्म वो कितना डाउन है। इस टीम ने अटैकिंग वाइज दोनों मैच आप मान सकते हो कहीं ना कहीं गोल किए हैं, लेकिन डिफेंसिव वाइज भी काफी गंदा परफॉर्मेंस किया। लेकिन उससे पहले 3 मैच इस टीम ने 2 विन किए, 1 मैच इस टीम ने डिफेंस वाइज ड्रॉ खेला, और उन 3 मैच में इस टीम का जो परफॉर्मेंस था वो काफी शानदार रहा, लेकिन डिफेंसिव वाइज भी कहीं ना कहीं ये टीम गोल कंसीड कर ही देती है। तो गाइस अब बात आती है अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए हमारे शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैच पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर भी कर ले कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग तो दोनों टीमों की जो पोजीशन है ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलती है, लेकिन हल्की सी फेवरेट टीम यहां से आपको सीटल साउंडर देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू न्यूयॉर्क सिटी, ओके। हेड टू हेड मैचेस में बात की जाए तो गाइस रिसेंटली यहाँ से जो मैच विन किया वो न्यूयॉर्क सिटी ने विन किया, लेकिन वो मैच उसके होम में था। लेकिन जो सीटल साउंडर्स ने इस टीम के सामने प्रीवियस मैच अपना होम में खेला उसको विन किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप हल्का सा फेवर मान सकते हो कि सीटल साउंडर्स हेड टू हेड में भी इस टीम के सामने कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती है, ओके। लेकिन यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी का थोड़ा सा बेहतर देखने को मिला है एज कम्पेयर टू सीटल साउंडर्स। लेकिन रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सीटल साउंडर्स जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है, अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन
न्यूयॉर्क सिटी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी गंदा देखने को मिलता है रिसेंटली, डिफेंसिव वाइज, अटैकिंग वाइज फिर भी अच्छा मान सकते हो। तो इस तीनों फॉर्मेट में कहीं ना कहीं आपको सीटल साउंडर्स की एक फेवरेट टीम देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैंने सीटल साउंडर्स को एक फेवरेट टीम मान के। ओके तो गाइज अब बात आती है फाइनली अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज मैं मान चलता हूँ कि कम से कम सीटल साउंडर्स इस मैच में दो गोल तो आराम से इस टीम के सामने कर दे, और डिफेंसिव वाइज कहीं ना कहीं एक गोल कंसीड कर सकती है। क्यों? क्योंकि रिसेंट फॉर्म में देखा जाए तो न्यूयॉर्क सिटी अटैकिंग वाइज पर मैच में गोल निकाल ही लेती है और डिफेंस कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देती है। तो मेरा मानना यह है कि इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन आपको कहीं ना कहीं 2-1 देखने मिलेगी, और 2-1 के प्रेडिक्शन के अनुसार ही हम अपनी ड्रीम 11 टीम क्रिएट करने वाले ड्रीम 11 पर। उससे पहले हम बात भी करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले। तो हम सबसे नजर डालेंगे सीटल साउंडर्स के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे न्यूयॉर्क सिटी के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं सीटल साउंडर्स के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो इस YouTube चैनल पर लाता रहता हूं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करना। और हां दोस्त इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। एक बात याद रहे, सर्च करके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने टॉप के कमेंट और वीडियो को डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिया ना उसी लिंक से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज की, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले हैं। तो हम सबसे पहले नजर डालेंगे सीटल साउंडर्स के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस कौन का काफ चैंपियनशिप लीग में जो सीटल साउंडर्स तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर, यहां से फ्रेडी मोंटेरो, इस टीम के लिए इसने 3 गोल किए लेकिन 2 गोल किए पेनल्टी में। तो यहां से पता चलता है ये टीम पेनल्टी काफी विन करती है और कहीं ना कहीं फ्रेडी मोंटेरो का गोल आने का चांस रहते हैं। ओके तो इसलिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर है जॉर्डन बोरिस जो कि इस टीम की तरफ से एक लीजेंड प्लेयर है, तो इनको तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करेंगे, एक बेहतर परफॉर्मेंस करेगा और इसने 2 गोल किए भी हुए। ओके यहां से रोल्डान एक ऐसा प्लेयर जो बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट काफी अच्छे देता है और गोल और असिस्ट पोटेंशियल काफी हाई रखता है, तो उस कंडीशन में ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन निकोलस लोदेरो, अगर आपको याद होगा जब इस मैच मतलब इस प्लेयर को हमने एज ए वाइस कैप्टन बनाया था और इसका सिलेक्शन ओनली 19% था और हमने इसको वाइस कैप्टन बनाया और वन साइड हमारी विन भी हुई थी, अगर आपको मॉर्निंग का मैच याद हो कुछ समय पहले हमने कौन का मैच का कवर किया था और उसमें इसको रखा था तो वन साइड विन किए थे, और उसी के अकॉर्डिंग क्योंकि बेहतर प्लेयर है इसलिए हमने इसको अपनी टीम में रखा भी प्लस वाइस कैप्टन दिया। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो इनको ट्राई करके चलना है, जिनको मैंने राइट का टिक किया उन्हें आप अपनी टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालेंगे असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट मान देखा जाए यहाँ से रोल्डान जैसे मैंने बोला असिस्ट पोटेंशियल काफी हाई रखता है और डिफेंसिव पॉइंट देता ही है, तो इनको ड्रॉप बिल्कुल नहीं करेंगे। निकोलस लोदेरो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा और यहाँ से अल्बर्ट रोसनाक अगर खेलता है तो एक मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है, असिस्ट पोटेंशियल भी हाई रखता है गोल पोटेंशियल भी हाई रखता है, तो इनको ट्राई करके जरूर चलेंगे। ओके अब बात आती है जो सेकंड टीम उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं हम न्यूयॉर्क सिटी के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस न्यूयॉर्क सिटी की टीम तरफ से फिलहाल के टाइम पर हाईएस्ट गोल टेकर कौन का काफ चैंपियनशिप लीग में, यहाँ से वैलेंटीन जो कि इस टीम की तरफ से 4 गोल कर चुका है और इसने 1 गोल पेनल्टी में किया, तो यहाँ से पता चलता है कि ये इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर भी है और फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर भी है, ड्रॉप बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके टालेश मैंगो जो कि इस टीम की तरफ से आम नहीं है मैंगो है, ओके तो इसने 3 गोल किए लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो ड्रॉप बिल्कुल नहीं करेंगे, इस टीम की तरफ से मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है। ओके तो यहाँ से मैक्सी मोरालेस जो कि इस टीम की तरफ से 1 गोल कर चुका है, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी ने भी 1-1 गोल निकाला हुआ है, तो उनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ जो टॉप प्लेयर है जिनको टिक कर दिया वही आपको कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे, तो इनको अपनी टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके तो बात आती है इस टीम से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए इस टीम के लिए, तो नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में देखा जाता है यहां से वैलेंटिन जो कि गोल प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है, चाहे तो इन्हें आप अपनी टीम का एज ए कैप्टन एज ए वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। ओके यहां से मैक्सी मोरालेस जो कि गोल प्लस असिस्ट दोनों में इसका कंट्रीब्यूट है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। सैंटियागो रोड्रिगो अगर एज ए खेलेगा तो इनको ट्राई करेंगे लेकिन आफ्टर लाइन अप देखेंगे इसकी पोजीशन कहां पर। ओके बाकी जितना और भी प्लेयर्स हैं सभी का भी आपके सामने रिकॉर्ड है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। या थियागो एंड्राडे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, डिफेंस पॉइंट काफी अच्छे देता है, तो उस कंडीशन में असिस्ट पोटेंशियल भी हाई रखता है, तो ट्राई करके चल लेंगे। ओके तो बात आती है इस मैच के स्कोरलाइन प्रेडिक्शन हमने रखी है 2-1, और 2-1 का प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारी समोली टीम ड्रीम 11 पर, तो सीधा हम नजर डालते हैं इस मैच के ड्रीम 11 की टीम पर। दोस्त अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो यहां तक देख ली है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ मेंबर तो हमारे पास ऐसे हैं मतलब हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने से पता नहीं क्यों घबराते हैं। चलो कोई ना, फिर भी यही कहूँगा, तो आप कंटिन्यू रहो और मस्ती करो हमारे चैनल की वीडियोस। ओके तो चलिए नजर डालते हैं इस मैच के ड्रीम 11 की टीम पर। तो गाइस बात करें गोलकीपर में, जो फर्स्ट ऑफ ऑल चॉइस देखने को मिलेगी जोहनसन और यहाँ से फेरी, दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। अगर डिफेंसिव वाइज अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क सिटी का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा डाउन है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से जोहनसन एक सेफ पिक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगे नहीं सीटल साउंडर्स ट्राई करना, तो फेरी को अपनी टीम में ट्राई करना। लेकिन याद रहे दोनों टीमें अपने लेवल की
मतलब एवरेज टीमें हैं, तो दोनों टीमों के गोलकीपर शायद टेस्ट हो सकते हैं। अब लग भाई चांस है कि आप किसको पिक करो, आपका नहीं कर पाए अच्छा, लेकिन मैं यहाँ सभी के लिए जोहनसन को ज़्यादा ट्राई करूंगा। ओके, बात करें डिफेंडर में, तो यहाँ से अरेगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, डिफेंसिव पॉइंट देता है, और यहाँ से गोमेज जो कि इंटरसेप्शन टैकल काफ़ी अच्छा करता है, तो उस कंडीशन में इनको ड्रॉप नहीं करूंगा। ओके, तो यहाँ से दो प्लेयर तो मैं बिल्कुल ड्रॉप नहीं करूंगा। अगर जिमी मैडरांडा अगर खेलेगा तो ये डिफेंसिव पॉइंट देता है प्लस असिस्ट पोटेंशियल भी हाई रखता है, तो उस कंडीशन में इनको भी ट्राई करूंगा, लेकिन हम कालनेस को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बाकी यहाँ से रीगन और कैन मतलब कनाउट है, बाकी जितना और प्लेयर्स उनको मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन रोल्डान अगर खेलता है ना तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, और ये आपको कहीं ना कहीं डिफेंसिव पॉइंट देगा प्लस ये असिस्ट पोटेंशियल काफी रखता है, और बाकी को मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि इनका खास इतना परफॉर्मेंस रहा भी नहीं। ओके, अगर आपको यहां से किसी को ट्राई करना तो यहां से जिमी मैडरांडा, और यहां चाहे तो आप रोल्डान, इनमें से किसी को ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं अभी की लिए मैडरांडा को टीम में ट्राई करके चलता हूँ। बात करें मिडफील्ड में, तो यहाँ से रोल्डान इस टीम की तरफ से एक गोल जरूर निकाल चुका है, लेकिन चार असिस्ट भी निकाले हैं, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब वो बात अलग है, ये इस मैच में कुछ ना करे लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, असिस्ट है पोटेंशियल, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, लेकिन मैक्सिम मोरालेज इस टीम की तरफ से एक मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है, तो इनको ड्रॉप नहीं करेंगे। लेकिन लोदेरो, निकोलस लोदेरो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको भी ड्रॉप नहीं करेंगे। यहाँ से पोलो जो प्लेयर है ना, ये काफ़ी अच्छा है, ये ऐसा प्लेयर है जो बिना गोल के कम 20 प्लस पॉइंट देने की क्षमता रखता है, और असिस्ट पोटेंशियल भी काफ़ी हाई रखता है। अब इनको ट्राई करना नहीं करना वो आपको ऊपर है, लेकिन मेरा काम है आपको नॉलेज से निहारना। ये मैंने आपके लिए बताया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, लेकिन आफ्टर लाइनअप इसका क्लियर भी हो जाएगा किसी पोजीशन कहाँ रहेगी। ओके, तो यहाँ से मैंगो है, आप ट्राई करना, क्योंकि इसका आपने देखो रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो और यहाँ से रोक में ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, डिफेंसिव पॉइंट देता है और ज़्यादा गोल पोटेंशियल नहीं है। लेकिन अल्बर्ट रुसनाक एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है, इससे पहले जिस क्लब के लिए खेले थे वहाँ पर इसका 8 गोल, आई थिंक 10-12 असिस्ट है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो ड्रॉप मत करना, एक दो टीम में तो कैप्टन भी बना सकते हो। ओके, यहाँ से सांटियागो रोड्रिगो जिसका भी रिसेंट फॉर्म देखा होगा आपने, काफ़ी शानदार है, बाकी जितना और भी प्लेयर्स हैं इनको मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मोरालेस एक मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर इस टीम तरफ से, आप मान सकते न्यूयॉर्क सिटी की तरफ से एक रीड की हड्डी है, तो अगर ये लाइनअप में खेलेगा तो एज एक सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा, तो उस कंडीशन में इनको ड्रॉप नहीं करने वाला, लेकिन अभी के लिए मैं पिक भी नहीं कर सकता। ओके, तो बाकी यहाँ से जितने प्लेयर्स हैं उनका भी आप मतलब ज़्यादा खास परफॉर्मेंस मुझे देखने मिल रहा। ओके, बात करें सेंटर फॉरवर्ड में, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी वैलेंटिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी, फ्रेडो मोंटेरे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, लेकिन रूडियाज इस टीम की तरफ से मोस्ट वैल्यूबल, मोस्ट वैल्यूबल मतलब है कि ये इस टीम की तरफ से प्रीवियस सीजन का हाईएस्ट गोल टेकर था, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, सिलेक्शन पर ध्यान मत दो, सिर्फ आप प्लेयर की काबिलियत पर ध्यान दो, ये मोस्ट वैल्यूबल मतलब हाईएस्ट गोल टेकर है, तो इनको ड्रॉप मैं नहीं करने वाला अगर खेलेगा तो ये। ओके, फ्रेडी मोंटेरा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन वैलेंटीन के लिए हमारे पास क्रेडिट नहीं बचेगा, लेकिन याद रहे क्रेडिट अभी प्रॉब्लम है, लेकिन आफ्टर लाइन अप प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि यहां से कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं फुटबॉल के जो मैचेस होते हैं जिनमें मोस्ट स्टार्ट नहीं करते, लेकिन वो आफ्टर लाइनअप मतलब आफ्टर मैच मतलब 45 मिनट बाद वो सब्स्टिट्यूट से जरूर आते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर ना भी खेलेगा तो आप ये मत सोचना कि यार मतलब कि इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं लिए जाएंगे। ओके, जॉर्डन मॉरिस ये इस टीम की तरफ से ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ओके, तो ड्रॉप इनको मत करना, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर है ना, इस सीटल साउंड जो टीम है ना ये काफ़ी शानदार टीम है, मतलब ये आप मान सकते हो मेजर सोकर लीग की टॉप बेस्ट टीम रही है, और इसके पास टॉप बेस्ट प्लेयर हैं, लेकिन फिलहाल टाइम पर अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो रिसेंटली अगर देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन उससे पिछले अगर देखा जाए तो इसको 5-6 मैच उसमें गंदा परफॉर्मेंस किया, लेकिन हल्के में इन प्लेयर्स को मत लेना, बाकी जितने और प्लेयर हैं इनको मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं भी करूँगा। लेकिन एक प्लेयर और आया इसके पास, ब्रेन, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर को हम ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि आप उन्हें सिर्फ इस मैच में दो ही सेंटर फॉरवर्ड खेलते नजर आएंगे। अब वो कौन से दो प्लेयर रहेंगे, ब्रून रहेगा मतलब ब्रून रहेगा, या आपको मोरिस देखने मिलेगा, रूडियाज देखने मिलेगा, या फ्रोडी मेंटेर देखने मिलेगा, तो उस कंडीशन में अभी के लिए ना दोनों मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर को पिक करता हूं। ओके, रूडियाज को मैं इसलिए ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि क्रेडिट का इशू थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, बात करें हम 7.5 क्रेडिट अपने पास बचे हुए हैं, तो उस कंडीशन हमें कोई एमए प्लेयर पिक करना होगा। अब वो कौन सा प्लेयर रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी, नहीं मिल रहा। ओके, मैं यहाँ से गोलकीपर में कुछ ना कुछ करता हूँ हल्का, नहीं हो पाएगा यार, तो मैं मैनेज करता हूँ। हम मैनेज हो गए, हल्का सा हुआ, हम यहाँ 8.5 क्रेडिट प्लेयर को मैडरांडा को ड्रॉप करेंगे और यहाँ से राजेन को पिक करेंगे। अब आप सोच रहे हो यार पोड़ भाई किसी भी तरह टीम बना सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा बोलता हूँ कि ये सिर्फ मैं रिकॉर्ड के बेस के अनुसार टीम बनाता हूँ और उन सभी प्लेयर्स को लेना चाहता हूँ जिनका रिकॉर्ड बेहतर हो, लेकिन जो फाइनल टीम रहती है वो हमेशा आफ्टर लाइनअप ही मिलती है। ओके, यहाँ से हम अभी के लिए टीम का कैप्टन बना के चलेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन। तो अगर देखा जाए तो हमें टीम का कैप्टन बनाना चाहिए फ्रेडी मोंटेरे या यहाँ से वैलेंटिनो, इन दो में से कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ से वैलेंटिनो को टीम का कैप्टन बना के चलाऊँ, वाइस कैप्टन फ्रेडी मोंटेरे, क्योंकि इस टीम तरह से पेनल्टी लेता है। लेकिन याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड के बेस के अनुसार टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी आफ्टर लाइनअप की, कौन से प्लेयर की पोजीशन अटैकिंग वाइज है, कौन से प्लेयर की पोजीशन डिफेंसिव वाइज है, उसके अनुसार जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट में डाल दिया है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, यहां से रोल्डन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, निकोलस एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, फ्रेडी मोंटेरे ऑब्वियस पिक है, और यहां से मॉरिस और यहां से रूडियाज, उनको भी बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना क्योंकि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वो भी हैं। ओके, लेकिन लाइनअप आने के बाद शायद मैं उनको टीम में ट्राई भी कर सकता हूं अगर वो एज
से स्टार्ट करेंगे तो ओके। लेकिन ये अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर गाइस।